प्रभा पत्नी सत्यवीर निवाती ग्राम तोहरा खुर्द थाना परीदपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायती पत्र देकर इंसाफ की मांग की है। अवगत कराना है कि प्रार्थी ने एक मुकदमा संख्या 00004/2024 रायसिंघादी के विरुद्ध थाना फरीदपुर में दर्ज कराया था। ये मुकदमा दर्ज होने के उपरांत विपक्षी गण एक राय होकर प्रार्थिनी की पति सत्यवीर के विरुद्ध मुकदमा संख्या 00028/2024 फैसला के दबाव हेतु दर्ज करा दिया गया है। इस प्रकाश की जांच हेतु प्रार्थिनी द्वार दिनांक 13 जनवरी 2004 को एक प्रार्थना पत्र देशाधिकारी फरीदपुर को दिया था, परंतु उक्त प्रार्थना पत्र पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विपक्षी गण प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के परिवार को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे गांव में नहीं रहने देखें, अपना मुकदमा वापस जन ले लो। अतः आपते विनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी के विरुद्ध दर्ज उक्त मुकदमे को बांध कर विपक्षी गणों के विरुद्ध बेठोर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थिनी आपकी में सदैव आभारी रहेगी। दिनाए 15/01/2024 प्रार्थिनी प्रभा पत्नी श्री सत्यवीर निवासी ग्राम तोहरा खुर्द थाना पीतपुर जिला बरेली मो 00938977059। मेरा नाम सत्यवीर है। कार कहाँ रहते हो? तोहरा खुर्द थाना फरीदपुर। क्या मामला है, शिकायत करना है एसओसी ऑफिस? ये मामला ये है कि 13-12 तारीख को फर्जी मुकदमा लिख दिया गया है। किसने लिख दिया फर्जी मुकदमा? जो फरीदपुर थाने के पता नहीं किसी दबाव बना के फैसले की बात पर मुकदमा लिख दिया गया है। किस बात को लेकर? कोई बात नहीं हुई थी ना कोई घटना। हाँ। हम तो अपने खेत भर रहे थे, इस तरह से गेहूँ में की थी, मगर जब मैं थाने आया था तो मेरे लिए सूचना मिली मैं कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया है, तो मैंने फोन से कॉपी निकाली थी, तो मैं आपके पास यहाँ लेके आया, एसपी साहब की एप्लीकेशन दे के जा रहा हूँ। किसी से गाँव में कोई रंजिश है क्या? किसी से रंजिश किसी से नहीं थी, मगर ये एक जमीन विवाद को लेके उनके भाई हमारे भाई के ससुराल वालों ने हमारी पत्नी के लिए घर में आकर धारदार हथियारों से चोट भी लगी हुई है, तमंचे के साथ हमला किया था। अच्छा ठीक। और दबाव बना के हमारा 51वें चालान कर दिया गया था। ठीक है। फिर एसपी फिर मैंने फरीद बरेली एसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी थी, एसपी साहब के आदेश में मुकदमा लिख दिया गया था, मगर फिर बावजूद कोई घटना ना हुई, फिर 13-12 तारीख को मुकदमा हमारे खिलाफ फैसला दबाव बनाने की खातर फैसला करने की खातर दबाव में मुकदमा हमारे खिलाफ लिख दिया गया धारा 452 के तहत। तो साहब से मिले तो क्या कहा साहब? साहब ने जो कहा है होगी कार्रवाई, मगर कोई सुनवाई अभी तक नहीं है। क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि फर्जी मुकदमा है इसको कैंसिल किया जाए। आप बताओ क्या चाहती हो, क्या नाम है आपका, क्या चाहती है, क्या मामला हुआ ये? रोमती बताओ फर्जी जो नंबर का